ओम शांति। आज 26 फरवरी 2015 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है, झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं, बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे। दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दीदान तो छोटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो छोटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है, नई को सतो प्रधान पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, जैसे राम तीरथ कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना, भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन
जरूर होता है। उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का करना है, बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहां सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहां सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए। औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है कि जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान वाच है। भगवान वाच कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है दैवीय गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो। देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है। इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? किसी ने कहा अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगदम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है।
तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है, सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं, यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया, बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है, सतयुग में कैसे कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम, तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहां कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतु होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की ही भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति।
सतो प्रधान भक्ति, फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे बाप को याद करो, बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना, बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं। तुम याद करते आए हो हे दुख हरता, सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, साथ अभी ही देता हूं। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूं, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रालब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे, टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग, इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर वन पूज्ये तो फिर नंबर वन पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं।
बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पार कृष्ण आया। बाप समझाते हैं, सागर की कोई बात नहीं, वहां तो गर्भ महल है, जहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं, यहां गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं, सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो, औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। पांच विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है माया के ग्रहण को साक्षी होकर देखने वाले, सदा निर्भय माया जीत भवा। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे
डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना सके। ओम शांति।